आदिवासी जो लोग है कड़ो जीवन है कड़ा गांव है नो मिदा एरा बकरे में मकेटा है मैं सब बैठा हूं बस बैठे हो तो जंगली जानवर वगैरह नहीं आते आते अच्छा ऊपर है सही है ठीक दादा तो ये देखिए अभी हम यहाँ से नीचे उतरने लग रहे हैं और ये देखिए इस प्रकार से सिर पे उठाकर पानी जो है वो नदी से लेकर आना पड़ता है काफ़ी भारी है आ जाओ तो काफ़ी कठिन और परिश्रम भरा जीवन यहाँ का होता है इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं और इधर भी एक छोटा सा घर बना हुआ है पहाड़ों के बीच में रोड और ये भाई यहाँ का जीवन गांव का कितना सुंदर देखिए व्यू नज़र आ रहा है पणिहारी मटका उठाकर सिर के ऊपर पानी लेके जा रहे हैं और वो भी देखिए कितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं अब आप देखना कि मैं कितना नीचे जाऊँगा ये देखिए और ये इतना भारी भरकम मटका जो है वो सिर के ऊपर उठाकर इस प्रकार से पहाड़ के ऊपर चढ़ी है सिस्टर तो ये देखिए और यहाँ पर चाहे छोटी लड़की हो चाहे 10 साल की हो चाहे जिनका शादी हो रखा हो इनका पहनावा एक ही रहेगा चुनरी और फिर कुर्ती रहेगी ऊपर और नीचे लहंगा रहेगा तो ये इनका पहनावा है और देखिए अब ये वापस रोड आ गई यहाँ पर कितना हाइट था यहाँ हाँ तो अभी फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सुरेश जी के घर पर और ये इस प्रकार से देखिए काकड़ी पार्टी चल रही है और इधर ये देखिए बाबूजी वगैरह सबको काट काट के बांट रहे हैं और यहाँ पर ये सीताफल भी आ गए हैं तो सीताफल और काकड़ी वगैरह इस प्रकार से नमक लगाकर बिल्कुल देसी तरीके से ऐसा जीवन सिर्फ गाँव में देखने को मिलेगा शहरों से काफी दूर शोर शराबे से दूर ये इस प्रकार से देसी जिंदगी और ये देखिए पूरा इधर ये लोग हम लोग इस प्रकार से काकड़ी खा रहे हैं सुरेश जी भी बैठे हैं इधर तो इस प्रकार से ये लोग हैं ये है सीताफल अपने यात्रा गुरु जी से आए हैं यात्रा गुरु जी आए हैं जोधपुर से तो खिला रहे हैं तो काफी मतलब यहाँ जो जंगलों में जैसे फल फ्रूट जो भी मिल रहे हैं यहाँ पर केले भी होते हैं पपीते भी होते हैं सीताफल होते हैं आंवला भी होते हैं अभी छोटू आंवला भी खा रहा था तो जंगलों से मिलने वाले फल फ्रूट और जंगलों से मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन और ये शुद्ध इस प्रकार से ये सब कुछ ये इस प्रकार से आनंद लेते हैं तो काफी अच्छा है आनंद लेते हैं और फिलहाल इसको फिनिश करता हूँ मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से देसी तरीके से यहाँ पर गुड़िया जो है वो मसाला तैयार कर रही है इस प्रकार से जो लाल बड़ी वाली मिर्ची होती है उसको और लहसुन को इस प्रकार से आपस में इस प्रकार से सिला के ऊपर ये ऐसे आपने गांव में बहुत सारा देखा होगा तो ये इस प्रकार से मसाला तैयार कर रहे हैं फिर चटनी बनाएंगे यहाँ पर यहाँ पे इस घर के अंदर देखिए ये इस प्रकार से ये बतख है और बहुत सारे बतख पाले हुए हैं तो ये इनका भोजन है भाई मुझे देखकर इन्होंने एक साथ ही इस प्रकार से स्टार्ट कर दिया है तो कैसा देखिए इन बतख को लगा है कि कोई अनजान आदमी आया है तो ये एक साथ इस प्रकार से बाकी तो ये शांत रहते हैं नहीं बोलते हैं लेकिन मुझे देखकर ये एक साथ इस प्रकार से गाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने तो ये नजर है भाई यहाँ के अब चुप हो गए हैं एकदम शांत इसी घर के अंदर दोस्तों आप पीछे देखिए किस प्रकार से क्यारियां बनाई हुई है और इसके अंदर रिजगा जो है वो बोया हुआ है गाय और खरगोश जो भी है बकरियों के लिए इस प्रकार से और हम देख रहे हैं और बतख भी इन्होंने पाल रखे हैं तो काफ़ी सारा अच्छा नज़ारा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये इस प्रकार से घर है इनका छोटा सा किस प्रकार से कच्चा है और आसपास ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में ही इस प्रकार के नज़ारे हैं और हमारे साथ सुरेश जी है लगातार हमको गाँव को विजिट करवा रहे हैं अलग अलग और आगे देखते हैं नज़ारे और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने देखिए खरगोश भी यहाँ पर पाल रखे हैं तो कोई मैंने आवलू करे हाँ। शोक दे है दीजे शोक दे जे कोई ने कोई जीव दिन में कोई भी आवा हुआ सब खाने चलेंगे अंदर से तो ये खाते रहेंगे ना हाँ खाते तो यहाँ से जैसे कोई लेके जाना हो तो वो खरीद के भी लेके जाते हैं ना ये देखो कोई हाउ कोई सेवा करे उन्हें दियो हाँ और कोई सेवा नहीं करे तो पैसे मतलब दिन होगा सही है मैं तो हो रहा रखे दीकरो रखे से को रखे तो मुझे खूब दियो इधर बैसी हो
अब जैसे ये बतख है तो बतख को जो के लेके जाते हैं वो काट के खा ले, खा के भी ले दे। अच्छा तो ये खाने के लिए नहीं सिर्फ पालने के लिए है ना। पहाड़ों के बीच में देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो टायर से खेल रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर ये देखिए प्रकृति का नजारा देखिए किस प्रकार से, और इसी प्रकृति के बीच में ये बच्चे लोग जो है इस प्रकार से अपना बचपन व्यतीत कर रहे हैं। और ये घर है, इधर ये खेत है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये जीवन है। तो भाई खूबसूरत यहाँ पर इस प्रकार से देखने लायक नज़ारे। यहाँ पर जो हमें फसल दिख रही है ये हमारा मिर्ची है, तो यहाँ पर बिल्कुल देसी मिर्ची एकदम, तो बिना कोई वो कहते हैं ना केमिकल, बिना किसी के वो इस प्रकार से एकदम शुद्ध प्रकृति के बीच में ये देखिए। बाकी तो केमिकल के अंदर केमिकल वाली यूरिया वगैरह और इनके ऊपर वो फुहारे मारते हैं केमिकल वाले, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एकदम शुद्ध देसी उर्वरक एकदम जो है वो उर्वरक रहित खाद। और ये नज़ारा देखो भाई, अब हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं जंगल के अंदर, क्योंकि यहाँ से ये जाने लायक रास्ता यही है, इधर से हम जाएंगे ऊपर। ये देखिए केले के बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सारे सीताफल लगे हुए हैं, ये देखिए इधर ये सीताफल लगे हुए हैं। इधर जो है वो भाई जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और थोड़ा बैक कैमरे से दिखाऊं देखिए। तो यहाँ से चढ़ते हैं भाई ऊपर, और ऊपर चढ़ने के बाद अंदर एक और घर है, और आपको दिखाते हैं यहाँ का जीवन। और पपीते देखिए आप, ये कितने बड़े बड़े पपीते लग रहे हैं, देखिए पपीते हैं इधर भी, ये देखिए पपीते हैं उधर, ये पूरे देखिए ये सीताफल है, बहुत सारे सीताफल ही सीताफल लगे हुए हैं टोटली। और आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा बम्बू, और ये देखिए इधर खाद है, और ये बम्बू है, और आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए माटी का काम भी यहाँ पर चलता है, अभी दीपावली आने वाली है, 10-15 दिन बाद दीपावली है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिए बना रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, कोई भी बात नहीं, सिर्फ हाथ से देसी तरीके से बनाते हैं। हाँ एकदम फेरी देके इस प्रकार से इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, और फिर वो इस प्रकार से दिए निकालते हैं, तो काफी अच्छा टैलेंट है भाई। देखिए ये काम जो है वो कुमार तो करते ही करते हैं, लेकिन ये ग्रासिया होते हुए भी इस काम को ये करते हैं। और ऊपर भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने बनाए हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है, घोड़े हैं यहाँ पर, ये बारसी का धूप आ रहे हैं, और हाँ देवी देवता के अंदर ये पूजा में काम आने वाले, पूजा माता है क्या, जोत में, हाँ जोत में काम आएगा, दिए कम दिए है क्या दी, हाँ तो ये जोत में। तो आप मटके भी बनाते हो? हाँ मटके बनावा। अच्छा हाँ मटके भी जी हैं। तो ये बिकते हैं आपके यहाँ से है ना? हाँ। और देखिए यहाँ पर देसी नस्ल की गाय भी यहाँ पर है, विदेशी गाय रखते हैं लोग यहाँ पर, देखिए एकदम देसी गाय है, देसी और छोटा मेमना है, कितना सुंदर है यार। और यहाँ का पहनावा देखिए, जो इनको आप जैसे ऊपर गुड़िया ने पहनी इसको क्या बोलते, कुर्ती है ना? हाँ इसको क्या, इसको हाँ इसको पोल का बोलते हैं, पोल का देसी भाषा में पोल का बोलते। अच्छा आप लोग पोल का बोलते हैं, और नीचे घाघरा, इसको लहंगा बोलते, लहंगा घाघरा ज्यादा होता है कपड़ा, घाघरा तो नजदीकी वाला है, हाँ लहंगा बोले। अच्छा इसको लहंगा बोलते हैं, और छोटा हो चाहे बड़ा हो सबका पहनावा बच्चियों में यही रहेगा, लड़की बच्चों में यही रहेगा, लड़कों में हाँ, शहरों का अलग होता है पहनावा, लेकिन आदिवासी पहनावा ये इस प्रकार से अलग है, और ऊपर होती है चुनरी। सही सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा पकने के लिए भट्टा है क्या? उसके अंदर पकने के बाद में फिर बाद में यहाँ पे आग से पकाया जाता है, ये भट्टा है। अच्छा हाँ ये छोटी छोटी मटकियां भी रखी हुई है, हाँ ये हांडी है, और ये है रोटी बनाने तवी, कलरी, ये तवा है, तवा तवा है, इसको आप क्या बोलते, कालरी हमारे पास में, इसको कलरा बोलते हैं, कलरा, हाँ कलरा। अच्छा कलर लाउनो टिकरु लाउनो ऐसे बोलते हैं ना, हाँ वो है। और ये गुड़िया जो है हाथों घर पे ही कटिंग की है, हाँ ये तो घर पे देसी है, हाँ देसी कटाई। और ये भाई यहाँ पर पकाते हैं जो भी मटकिया वगैरह, ये दीपक वगैरह है, ये सभी यहीं पे पकाते हैं इनको, और आगे चलते हैं। और ये भी थोड़ा इसको ले लो, सीताफल है ना, ये तो अभी कच्चा है, हाँ अभी कच्चा है, लेकिन अगर इसको तोड़ दें तो 2 दिन में पक जाएगा ये, इसका थोड़ा आँख खुलती है ना।
मेरे पीछे आपको जो पहाड़ दिख रहा है, हम लोग इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि भाई रास्ता किधर से क्या है। तो अभी हम आगे जाएंगे और ये इस प्रकार से रास्ता है, थोड़ा मेरे को मालूम नहीं है, तो ये गुड़िया है जो आ रही है ये मेरे को इस प्रकार से लेके जाएंगे। और ऊपर पहाड़ के ऊपर एक घर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मेरे को लगा है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से, तो हम अभी जा रहे हैं भाई ऊपर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भाकर हैं, ये पहाड़ बहुत ऊपर है ना, यहाँ से जानवर नहीं आते आपके यहाँ पे? अच्छा, तो ये देखिए ये रास्ता भाई यहाँ से बना हुआ है, मेरे को मालूम नहीं था इसलिए मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को थोड़ा रास्ता तो दिखा दो ताकि हम ऊपर वाले घर तक जा सकें। काफ़ी विरम्य रास्ता है भाई। तो इस प्रकार के नज़ारे भाई सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और मैं आपको हर एक परिस्थिति से अवगत करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे भी मुझे डिफरेंट परिस्थितियाँ नज़र आ रही है, मुझे कुछ अलग प्रकार के घर नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ कभी कैसे घर बने हुए हैं। तो ये लोग जो है वो मेरे को ऊपर रास्ता दिखा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊँगी ये रास्ता है भाई, इस प्रकार से चढ़ते हैं। और पानी लेके जाना हो तो भी इसी रास्ते से होकर, वो पानी उठा के लेके जाते हैं ना गड्ढे से, पहले अच्छा अभी पहले तो ये नदी में से कुआ है हैंडपम्प सब दोनों। अच्छा, और ये नजारा देखो, ये यहाँ से काटा है ना पहाड़, ये काट के यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, घर शायद बनाएंगे, कुछ करेंगे शायद यहाँ पर। सांस फूल गई मेरी तो, ऊपर बकरियाँ हैं, घर है, और ये इस प्रकार यहाँ कोई रहता है क्या? अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। देखिए बाइक जो है वो नीचे लेके खड़े हैं सुरेश जी, और मैं आ गया हूँ पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ से अब नज़ारा देखिए आप लोग, सामने देखिए क्यारियाँ बनाकर खेत के अंदर कुछ फसल यहाँ पर कर रखी है, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से खड़े हैं, और हमारे पीछे ईंटों से और पत्थरों से जो घर बनाया हुआ है बिना किसी गारे के काम में लिया है यहाँ पर, और फिर ऊपर से मिट्टी की लेपाई की हुई है। काफ़ी तेज़ धूप पड़ने लग रही है, आंखें नहीं खुल रही सामने तो। और वापस देखिए पहाड़ों के अंदर ये घर है, तो काफ़ी अच्छा जीवन है यहाँ का। थोड़ा सा मैं आपको घर की डिज़ाइन दिखा देता हूँ, और ये जो घर है इन्हीं गुड़ियाओं का घर है। अभी तो नीचे रहते हुए ना, अब तो नीचे मेरा वो भाई। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखा दूँ कि इस प्रकार का ये घर है, अंदर से कैसा बना हुआ है। गेट काफ़ी कंजस्टेड है, अंदर घुसते ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बकरियों को और कुछ रखने की यहाँ पर व्यवस्था है, गायों को भैंसों को जो भी है। और ये क्या चीज़ है ऊपर, कमरा है ना, इसमें कौन रहता है, बकरियाँ? तो खाना बनाना। अच्छा, खाना बना, रसोई है अंदर, तो बकरियों की पर मैंने सोचा मींगणियाँ पड़ी है। ये है भाई अंदर से और बाहर से, आप इधर से आ गए क्या? हाँ, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छे से सीढ़ी बनी हुई है, और आप